लोकसभा चुनाव के मध्य मतदान सामग्री प्राप्त करते हुए एक महत्वपूर्ण बात यह भी देखी गई, एक अध्यापक जो ITS कॉलेज में प्रशिक्षण देते हैं उनकी शादी कल ही रायपुर में हुई थी और वे श्वेश्वर साहू आज मतदान करने के लिए रवाना हो रहे हैं। इस संबंध में जब उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मतदान का पर्व लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, शादी तो जिंदगी भर के लिए है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शादी रायपुर में हुई है और जो है उनका भी रिएक्शन है कि आप निर्वाचन कार्य को बहुत अच्छे से कीजिए और एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। नहीं सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि निर्वाचन जो कार्य है उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसका मैं अच्छे से निर्वहन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 5 साल में एक बार आता है सर यह कार्य और मैं बहुत खुश हूँ सर इस कार्य को करने के लिए। धमतरी मुख्य मार्ग केरे गांव थाना के पास ट्रक में भीषण आग लग गई, ट्रक जलकर खाक हो गया। पार्ले जी बिस्किट लेकर जा रहा था, लाखों का हुआ नुकसान। रायपुर से बिस्किट भरकर नगरी की तरफ जा रहा था ट्रक। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ हत्या का आरोपी, आजीवन कारावास की सजा मिलते ही न्यायालय से फरार हुआ आरोपी 2 जनवरी 2023 को अपने ही पिता बन सिंह सोरी की डंडे से पीट पीट कर की थी हत्या। फरार आरोपी का नाम हेमलाल सोरी बोराई थाना अंतर्गत झूरा नदी का रहने वाला, तलाश में जुटी धमतरी पुलिस। जहर का सेवन करने की वजह से एक 13 वर्षीय किशोरी की जान चली गई, जो कि जिला राजनांदगांव कापा की बताई जा रही है। भाई ने पढ़ाई करने पर जोर डाला तो नाराज होकर जहर का सेवन किशोरी ने कर लिया। घटना 5 तारीख की है। परिवार वालों को पता लगने पर उन्होंने तुरंत उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ कुछ दिनों तक उसका इलाज किया गया। इस मामले की जानकारी परिवार वालों के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन ने भी पुलिस को नहीं दी थी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर CEO रीना बाबा साहेब कांगले ने प्रेस वार्ता की। बता दें कि राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा में दूसरे चरण के तहत शुक्रवार 26 अप्रैल को मतदान होंगे। बुधवार को इन तीनों सीटों पर चुनावी शोर थम गया। तीनों ही सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने मतदाताओं को रिझाने के लिए कई तरीके अपनाए। भाजपा ने जहाँ इन सीटों पर अपने बड़े नेताओं की 9 सभाएं की तो वहीं कांग्रेस की 1-2 सभाएं ही। सभी को नमस्कार। लोकसभा निर्वाचन के द्वितीय चरण के जो मतदान का दिवस है वो कल 26 अप्रैल रहेगा। जैसे कि आप सभी को विदित है, लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, ये तीनों लोकसभा क्षेत्र में कल जो है मतदान रहेगा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुरूप। द्वितीय चरण में जो कुल इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्र है उनकी संख्या है 6,567 और निर्वाचन लड़ने वाले जो अभ्यर्थी है वो महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र में 17, राजनांदगांव में 15 और कांकेर में 9। गरियाबंद जिले के 573 मतदान केंद्रों में 26 अप्रैल को मतदान होने वाला है। सभी केंद्रों के लिए आज दल रवाना किए गए हैं। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा के 9 संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा मतदान। सुबह से कलेक्टर दिलीप अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले समेत जिले के आला अधिकारी दलों को रवाना करने में लगे हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिले के शहरी क्षेत्र में 52 केंद्रों में मतदान का जिम्मा महिला कर्मी संभालेंगी। इसी तरह 2 दिव्यांग और 10 यूथ कर्मियों को भी केंद्र का जिम्मा देकर समानता लाने का प्रयास किया गया है। हमारे बिंद्रा नवागढ़ और राजिम विधानसभा 2 क्षेत्र हमारे जिले में पड़ते हैं, तो इसमें हमने 52 महिला बूथ इस बार बनाया है। हमारे जितने शहरी बूथ हैं, इंगेश्वर है, छुरा है, राजिम है, गरियाबंद है, उसके पूरे 37 के 37 बूथ महिला मतदान कर्मचारी वहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा बिंद्रा नवागढ़ में 15 महिला बूथ रहेंगे। दोनों विधानसभा में 1-1 दिव्यांग बूथ बनाया गया है जो दिव्यांगों के द्वारा रहेगा, और इसके अलावा 5-5 यूथ बूथ बनाए गए हैं जहां पर यूथ कर्मचारियों को लगाया गया है। अभी जो सुरक्षा व्यवस्था को लेके हम लोग ने पहले से ही जो है एरिया डोमिनेशन और आरोपी हमने निकाल दिया है, और साथ ही साथ में जो है हमने जो सुरक्षा की विश्वास दिलाने के लिए फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग ये हमने करवाए हैं, जो अभी तक जो है हमने हिस्ट्री सीटर
गुंडा बदमाश होते हैं उनको भी हमने अच्छे तरीके से चेकिंग किया है। इसी वजह से ऐसे मुझे ऐसे पूरा विश्वास है कि जो है मतदान जो होगा वह मुक्त वातावरण में निष्पादन किया जाएगा। भूपेश बघेल के नवाज खान से बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं और कई मामलों में नवाज खान के ऊपर मामले भी दर्ज हैं। राजनांदगांव लोकसभा के कई लोगों की जमीन हड़पने के उनके ऊपर आरोप हैं। कई लोगों पर अत्याचार करना, गुंडागर्दी करने के आरोप लगते रहे हैं और यह चर्चा का विषय रहा है कि भूपेश बघेल का संरक्षण होने की वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे ही भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया का भी नाम चर्चा में चल रहा है और भाजपा का कहना है कि 16 महीने से जेल में बंद सौम्या चौरसिया की भूपेश बघेल वकालत कर रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। भूपेश बघेल लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए और राजनांदगांव लोकसभा से उम्मीदवार है। आप सबको मालूम है इस प्रदेश में 16 मार्च से इसके पूर्व उप सचिव गिरफ्तार है, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार है। एक तरफ अभी आप सब लोग देखे राजनांदगांव में यहाँ के पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के ऊपर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। मैं आम जनता से अपील भी करना चाहूंगा क्योंकि इस प्रदेश में भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ को लूटने वाले एक तरफ नवाज खान है, एक तरफ सौम्या चौरसिया है, क्या हम इसको वोट देंगे? राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना बिल्कुल ऐसा ही है। 5 सालों तक सरकार चलाते समय इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने, और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टिकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था।